जंगलों के बीच नागों की एक बस्ती थी जहां इच्छाधारी नाग रहते थे। इन इच्छाधारी नागों के राजा रानी थे मनसा और मार्तंड। इस इच्छाधारी नागों की एक विशेषता थी कि इनके पास नागमणि थी। सभी इच्छाधारी नाग भगवान शिव के साथ इस नागमणि की पूजा किया करते थे। मनसा और मार्तंड ये नागों का जोड़ा हमेशा एक साथ ही रहते थे। इन दोनों में अपार प्रेम था। नागमणि की रक्षा की जिम्मेदारी भी मनसा और मार्तंड पर ही थी। इस आने वाली अमावस्या के दिन नागमणि की शक्तियां चली जाएंगी और फिर अगले पूर्णिमा तक हम सभी को इस नागमणि की रक्षा करनी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम बारी बारी इस नागमणि की रक्षा करें। जैसा तुम बोलो मार्तंड। मार्तंड के आदेश अनुसार हर दिन अलग अलग नाग नागमणि की रक्षा करने लगे। इन्हीं में से एक नाग नदी किनारे गया जहां उसे एक मांत्रिक ने पकड़ लिया। ये सांप मांत्रिक की बीन पर नाचने लगा। अब तू मेरा गुलाम है, मुझे अपने साथ नागमणि तक ले चल। वो नाग मांत्रिक के वश में था, इसीलिए वो मांत्रिक को नागमणि की ओर ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में मनसा ने ये देख लिया। मनसा तुरंत मार्तंड के पास गई और उसने सब कुछ बता दिया। मार्तंड समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए। मार्तंड ने नागमणि उठाई और उसे निगल लिया। अब ये मुझ में सुरक्षित है, आने वाली पूर्णिमा तक मुझे इसे उस मांत्रिक से दूर रखना है। पर वो मांत्रिक हमें यहाँ ढूंढ ही लेगा। इसलिए हमें यहाँ नहीं इंसानों के बीच रहना होगा। ऐसा बोलकर मार्तंड और मनसा दोनों ने इंसानों का रूप धारण कर लिया और वो लोग गांव की ओर चल पड़े। यहाँ उनके जाने के बाद मांत्रिक नागमणि के लिए पहुँचा। नागमणि ना पाकर उसने सारे नागों को मार दिया। मैंने उस नागमणि के लिए इतनी साधना की है, मैं वो हासिल करके ही रहूंगा। जब मनसा और मार्तंड गांव पहुंचे तो गांव में मेला लगा हुआ था और अच्छी खासी भीड़ थी। मार्तंड एक दुकानदार के पास गया। भाई, मैं इस गांव में नया हूँ, मुझे काम चाहिए और रहने के लिए छत। मुझे भी मजदूर की जरूरत है। मैं तुम्हें 100 रुपए प्रतिदिन और रहने के लिए कमरा दे सकता हूँ, अगर मंजूर हो तो बोलो। मुझे मंजूर है साहब। यहाँ अपनी सिद्धि से मांत्रिक ने पता लगा लिया कि किसी इच्छाधारी सांप ने वो नागमणि निगल लिया है, पर वो उनका इंसानी रूप नहीं देख पाया। इंसान का रूप लेकर मुझसे बचना चाहते हो? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। नागमणि को हासिल करके ही रहूंगा। और फिर मांत्रिक भी गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर वो भीड़ देखकर दंग रह गया। इतनी भीड़ में वो नाग कौन है ये कैसे पता लगाऊं? लेकिन वो नाग है इसलिए वो शायद मंदिर में ही होगा। ये सोचकर मांत्रिक शिव मंदिर की ओर चलने लगा। शिव मंदिर पहुंचकर वो सभी लोगों को अच्छे से देखने लगा, लेकिन उसे कोई नाग नहीं दिखा। वो वहीं बैठा रहा। कब तक तू अपने भगवान से दूर रहेगा? तुझे यहाँ आना ही होगा, मैं तेरा यही इंतजार करूंगा। उसी शाम को मनसा मंदिर की ओर आई तो उसे वो मांत्रिक दिख गया। मनसा समझ गई और उल्टे पांव घर लौट गई। मनसा ने ये सब मार्तंड को बताया। वो मांत्रिक किसी भी हालत में ये नागमणि पाना चाहता है, इसलिए वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ चलाया। लेकिन अगर आप उसकी नजर में आ गए तो वो आपको मारकर ये नागमणि निकाल लेगा।
मुझे मेरे मरने की चिंता नहीं है मनसा, ये नागमणि सुरक्षित रहना चाहिए। हमें अगले 13 दिनों तक उस मांत्रिक की नजर से दूर रहना होगा। लेकिन फिर हम पूर्णिमा के दिन इस नागमणि को वापस स्थापित कैसे करेंगे? इसका रास्ता है मेरे पास। अगले 13 दिनों तक वो मांत्रिक नागों को खोजता रहा, पर ये दोनों उसकी नजर से बच गए। पूर्णिमा के दिन मार्तंड ने नागमणि को उगला और मनसा को दे दिया। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर वो मांत्रिक आपको मार देगा। मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है ये नागमणि, जल्दी से इसे निगल लो वरना मांत्रिक यहाँ पहुँच जाएगा। मनसा ने रोते हुए वो नागमणि निगल ली और मनसा जंगल की ओर चल पड़ी। यहाँ गांव में मार्तंड खुद मांत्रिक के सामने आया। मार्तंड को देख मांत्रिक की आंखें बड़ी हो गईं। मांत्रिक ने अपनी शक्तियों से मार्तंड को कैद कर लिया। वो नागमणि चुपचाप मुझे दे दे वरना तू बेमौत मारा जाएगा। नागमणि तुझे हरगिज नहीं मिलेगी। मांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से मार्तंड को तड़पाने लगा। कभी वो उसे बिजली के झटके देता तो कभी उसे यहाँ वहाँ पटकता। तू कुछ भी कर ले पापी, पर नागमणि तुझे नहीं मिलेगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मांत्रिक मार्तंड को और ज्यादा पीड़ा देने लगा। वहाँ मनसा जंगल में गुफा तक पहुँच गई। मनसा ने नागमणि उगली और अपने आंचल से पोंछ कर नागमणि को अपनी असली जगह पर स्थापित कर दिया। नागमणि को वहाँ रखते ही उसमें शक्ति आ गई। अब मनसा प्रार्थना करने लगी। हे नागमणि, मेरे पति की रक्षा करना। नागमणि की शक्तियों से मार्तंड में भी शक्ति आ गई। उसने वो मांत्रिक का जादुई बंधन तोड़ दिया। मांत्रिक घबरा गया। मार्तंड मांत्रिक की ओर बढ़ने लगा। मांत्रिक ने भागने की कोशिश की पर वो बच नहीं सका। मार्तंड ने उसे डस लिया और वो वहीं मर गया। फिर मार्तंड भी नागमणि के पास पहुंचा और नागमणि का अभिषेक करते ही सारे मरे हुए नाग जीवित हो गए। केतकी एक जवान सुंदर इच्छाधारी नागिन थी। केतकी अपने समूह के साथ नदी के किनारे एक भूमिगत बिल में रहती थी। केतकी के माँ बाबा भी उसकी ही तरह इच्छाधारी नाग नागिन थे। केतकी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। पर माँ, मैं कैसे चुनूंगी? यहाँ इतने सारे युवा हैं, जो तुम्हें भा जाए उसे चुन लो और उसके साथ ही रहो, वही तुम्हारा जीवन साथी रहेगा। जी माँ। अब केतकी अपने जीवन साथी की खोज में निकल पड़ी। वो अपने नाग रूप में कई दूसरे नागों से बात करने लगी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। एक दिन की बात है, केतकी नदी किनारे अपने नाग रूप में बैठी थी। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। पकड़ो भोला, मुझे पकड़ के दिखाओ। तुम्हें अपनी टोपी चाहिए तो मुझे पकड़ो। अब तो तू मेरे हाथ से गया बच्चू। अच्छा, केतकी की नजर रुद्र पे अटक गई और बस उसे रुद्र भा गया। केतकी को अपनी माँ की बात याद आई। जो तुम्हें भा जाए उसे चुन लो और उसके साथ ही रहो, वही तुम्हारा जीवन साथी रहेगा। केतकी ने सोच लिया कि रुद्र ही उसका जीवन साथी बनेगा। अब केतकी रुद्र के पास गई। यार, इस नदी के पास कितनी शांति है ना? अरे माँ बोलती है जहाँ ज्यादा शांति होती है
वहाँ खतरा होता है। अरे ओ माँ के लाडले, अरे रे रे रे, सांप सांप, भाग रुद्रा भाग। भोला और रुद्र दोनों यहाँ वहाँ भागने लगे और केतकी रुद्र के पीछे ही पड़ गई। रुद्र ने बड़ी मुश्किल से केतकी से अपना पीछा छुड़ाया। केतकी निराश थी। माँ, मुझे जो पसंद आया वो तो मुझे देखकर ही भाग जाता है। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, तुम्हें उसका मन जीतना होगा। पर कैसे, अब ये तो तुम्हें ही सोचना है। अगले दिन केतकी वापस रुद्र का इंतजार करने लगी, लेकिन रुद्र नदी के पास नहीं आया। मैं खुद ही जाकर उसे ढूंढती हूँ। केतकी निकल पड़ी अपने प्यार की तलाश में। आखिर केतकी को रुद्र मिल गया, अपने दोस्त भोला के साथ गप्पे लड़ाते। अबे, कल तो वो सांप हमें ढसी लेता। नाम मत ले उस सांप का। तू जानता नहीं क्या मुझे सांप से डर लगता है? कल मैंने अपनी जान कैसे बचाई मुझे ही पता है। हाँ यार, कल तो बाल बाल बचे। केतकी ये सब सुन रही थी। मतलब इसे मेरे नाग रूप से डर लगता है, लेकिन अगर मैं किसी युवती के रूप में इसके सामने आऊं, तो शायद इसे डर ना लगे। केतकी वापस अपनी नदी के पास गई। उसने ठान लिया था कि अब जब वो रुद्र से मिलेगी तो एक लड़की बनकर। केतकी अपनी माँ के पास गई। क्या हुआ केतकी? माँ, मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया, लेकिन उसके लिए शायद मुझे आप लोगों को छोड़ना पड़े। तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर बेटी एक समय के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर पति के साथ रहने लगती है, यही नियति है। फिर केतकी ने अपना रूप बदला और वो एक सुंदर युवती बन गई। शायद ये रूप रुद्र को पसंद आए। केतकी रुद्र के सामने आई। केतकी को देखकर रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई रुद्रा सुन, रुद्रा, रुद्रा! भोला इतना कुछ बोल रहा था, लेकिन रुद्र की नजर केतकी से हट ही नहीं रही थी। रुद्र को पहली नजर में प्यार हो गया और फिर केतकी और रुद्र की शादी हो गई। इस तरह एक इच्छाधारी नागिन ने एक इंसान को अपना जीवन साथी बना लिया।